नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण से जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की, जीएसए की, माली की, पटवारी की, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उनका फीस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, एज क्या रखी गई है, फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। दोस्तों सभी स्टेट वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो क्या रखा गया है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, फीस कब जमा होगी, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये विज्ञापन डीडीए से आई है, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से। तो यहाँ पे देखिए भर्ती प्रकोष्ठ दिया गया, विभिन्न श्रेणियों में भर्ती निकाली गई है जिसमें आपका स्टेनोग्राफर भी है, जूनियर कलर का भी है, ठीक है, जो कि समूह गा की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी का जो है कितनी वैकेंसियाँ हैं ये सब डिटेल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो वेबसाइट लिंक खुलने की तिथि थी वो 23 तारीख से थी, ठीक है, लेकिन वो 23 तारीख से नहीं खुलेगी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सारा कुछ बंद कर दिया गया है, इसलिए इसका अभी कोरिएंडम भी निकाला गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस किस पदों के लिए जो है वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखिए उप निदेशक प्रणाली के लिए आई है, उप निदेशक योजना, सहायक निदेशक, सहायक निदेशक योजना, सहायक लेखाकार अधिकारी, वस्तुकला सहायक, योजना सहायक, अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर, उद्यान और सर्वेक्षण, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे अगर हम समूह का की वैकेंसी में बात करें तो यहाँ पे देखिए आशुलिपिक की वैकेंसी आई है, आशुलिपिक ग्रेड डी पटवारी की आई है, कनिष्क सचिवालय सहायक यानी एसएससी की आई है, ठीक है, सॉरी जीएसए की, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और साथ में माली की भी वैकेंसी, ठीक है। माली की पदों की संख्या है दोस्तों 100, ठीक है, और वहीं जीएसए की एसएससी की है, जीएसए की 292 और पटवारी की 44 है और स्टेनोग्राफर की वैकेंसियाँ सब है, सर्वेक्षक की सब है। यहाँ पे हम लोगों सबका हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है सभी के लिए, ठीक है, तो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए दोस्तों आगे लिखा है कि रिक्तियों योग्यता भर्ती की प्रक्रिया आदि से युक्त विस्तृत अधिसूचना 23/3/2020 प्रातः 10 बजे से दिल्ली प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, लेकिन ये नहीं हो पाया दोस्तों क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण ये जो है अभी थोड़ा सा डिले होगा। इसका कोरिएंडम निकाला गया है तो हम लोग कोरिएंडम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा कोरिएंडम भी निकाला गया है, ठीक है, काइंड अटेंशन टू इनवाइटेड टू दिस ऑफिस एडवर्टाइज नंबर सो एंड सो डीडीए अप्रूव्ड इन द हिंदुस्तान हिंदी एंड पंजाब केसरी में 17/3 को पब्लिश किया गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में 18/3 को आया था और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 21/3 को पब्लिक किया गया था, ठीक है। उसके लिए जो अप्लीकेशन वेयर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अब वेरियस पोस्ट डिफरेंट कैडर, ठीक है, जिसमें कि 23 तारीख से जो है होना था अप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना था, अब वो दोस्तों फर्दर ओइंग टू करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना आउटब्रेक द सेड लिंक कैन नॉट बी ओपन ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम, द रिवाइज शेड्यूल ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग लिंक डिटेल अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये दोस्तों 1 अप्रैल से भरा जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 10 बजे से भरा जाएगा और ये 30 अप्रैल तक भरा जाएगा और इसकी जो फीस पेमेंट होगी वो आप 4 मई तक कर सकते हैं, ठीक है, यानी 1 अप्रैल से अब स्टार्ट होगा, जो कि 23 तारीख से होना था वो 1 अप्रैल से होगा, ठीक है, अभी कोरोना वायरस के चलते इसको रोक दिया गया है। आगे इसमें हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों तो ये डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर अप्लीकेशन स्टार्ट होगा अब 1 तारीख से, ठीक है, और लास्ट डेट जो रहेगा वो आपका 30 तारीख रहेगा, 30 अप्रैल होगा और यहाँ पे लास्ट डेट पेमेंट की होगी आपका 4 मई, ठीक है। एप्लीकेशन फीस डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन 1 अप्रैल से ही फीस का डिटेल आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जीएसए के लिए, देखिए अगर जीएसए की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का देखें तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 292 है, एज यहाँ पे रखा गया 18 से 27 साल, ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो 10+2 पास रखा गया है और साथ में आपको 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग
आपको आनी चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड की, इंग्लिश में 35 वर्ड की और इंग्लिश में 30 वर्ड की टाइपिंग आनी चाहिए। पटवारी के लिए दोस्तों यहाँ पे बैचलर डिग्री रखा गया है, आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री आपने किया है तो पटवारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। माली के लिए यहाँ पे 10th पास रखा गया है, ठीक है। माली के लिए जो एज रखा गया है वो 18 से 25 साल का रखा गया है, 100 वैकेंसी है यहाँ पे, और जबकि पटवारी के लिए 21 से 27 साल रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 21 साल है पटवारी के लिए, 21 से 27, जबकि यहाँ पे 18 से 25 रखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए 100 वैकेंसी है, यहाँ पे एज जो है वो 18 से 30 साल रखा गया, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे इंटर पास होना चाहिए, यानी 10+2 आपने पास कर लिया है और आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा है तो ट्रांसक्राइब करने के लिए 65 मिनट का समय मिलेगा, और अगर इंग्लिश में सीखा है तो ट्रांसक्राइब करने के लिए जो है आपको 50 मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, और जो है ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 65 मिनट और 50 मिनट मिलेगा, 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग बेसिक चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों अभी फुल एडवर्टाइज जो है वो आयोग की वेबसाइट पे भी नहीं अपलोड किया गया है, क्योंकि 23 तारीख से अपलोड होना था लेकिन कोरोना वायरस के चलते हो नहीं पाया। जैसे भी कुछ होगा, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और स्टार्टिंग डेट का ध्यान रखना। एक बार फिर हम रिमाइंड करा देंगे, जब 1 तारीख आएगा 1 अप्रैल से जब फॉर्म भरा जाएगा तो हम फिर से एक बार रिमाइंड करा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।